उसने झट से अपना टी शर्ट निकाला और मेरे आंसू समेट लिए। टी शर्ट निकाला? कमबख्त के पास रुमाल नहीं था जेब में? डैड, बोलने दो उसे साहिल। इसकी टू पेनी कमेंट से अगर मैं रो भी पड़ी तो अब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई मिल गया है मुझे। वो मेरी पेंटिंग बनाना चाहता है। कैन यू इमेजिन? सुधांशु खान जैसा सेलिब्रेटेड पेंटर हमारे घर आने वाला है। मैं इस आदमी से थक गई हूँ साहिल। डॉक्टर देसाई ने इसे 10 बार कहा है कि इसे कैल्शियम डिफिशिएंसी है, दूध पीना जरूरी है वरना घुटने जॉइंट सब बेकार हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, बेवकूफों के सरदार। हेलो डैड, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अरे हाँ, मेरा मतलब है कुछ डॉक्टर जो बकवास करते रहते हैं। डॉक्टर देसाई का जरूर कोई निजी फायदा होगा मुझे दूध पिलाने में। ऑफ कोर्स, डॉक्टर देसाई तो दूध वाला भैया है, वो घर घर दूध बेचने जाते हैं गले में स्टेथोस्कोप लटका के। मॉम रिलैक्स। I just can't. इसको दूध पिलाने के चक्कर में मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं इसके पीछे पीछे भाग के। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए तुम्हारी बा की तरह, तो मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करने वाली हूँ। हाँ तो मेरी बेटी मोनिशा है ना मेरी देखभाल करने के लिए। मोनिशा तुम्हारी देखभाल करेगी? मोनिशा तो अपने किचन की देखभाल नहीं कर पाती। गैस स्टोव पे जमी हुई ग्रीस में अपना नाम लिखती है उंगली से। पिकासो की पेंटिंग के पास प्याज का बंडल लटकाती है। रेस्टोरेंट से आए हुए अचार बॉटल में इकट्ठा करती है। मिक्स पिकल कहती है उसे। ये नया पॉइंट है। अरे मोनिशा के राज में तो बेचारे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं, तुम्हें तो मालूम नहीं। मॉम डैड, हमें ये तय करना है कि आप दोनों का झगड़ा कैसे सॉल्व किया जाए। इसे कहो कि चुपचाप दूध पी ले वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। डैड चुपचाप दूध पी लीजिए। पहले उससे कहो कि मुझसे दादागिरी से ना पेश आए, मैं इस घर का मालिक हूं। ओके मॉम। डैड प्लीज दूध पी लीजिए ना। साहिल यार, दैट्स बेटर, ग्रेट। नहीं यार साहिल, मुझसे नहीं पिए। माया दूध गिर गया, बोलो। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ इंद्रवदन, यू आर द लिमिट, ये उसने जानबूझ के किया है। माया मैंने जानबूझ, यू आर द लिमिट। मॉम डोंट गेट हाइपर, यू नीड अ ब्रेक मॉम। यू नीड, यस आई नीड टू ब्रेक हिज हेड, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। मॉम सी अगेन, यू जस्ट बी क्वाइट मॉम। चलिए चलिए, आपको रंग आर्ट गैलरी भी जाना है ना, तो रास्ते में मैं आपको छोड़ दूंगा। रास्ते में जो समुंदर आता है ना उसमें इंद्रवदन को छोड़ दो। मॉम आप प्लीज जाइए, जानबूझ के किया है। नहीं मॉम, ऐसा मुझे परेशान कर। मॉम आप जाइए, प्लीज प्लीज जाइए, आई विल हैंडल हिम। 11:30 बज गए लेकिन मामा अभी तक नहीं आए। कुछ गुंडे मामा को उठा के ले गए होंगे। साहिल भाई, मामा मोबाइल भी नहीं उठा रही है। कैसे उठाएगी? गुंडे ने माया का हाथ मरोड़ के पूछा होगा, क्यों जन्म दिया रोसेश को, बता क्यों जन्म दिया रोसेश को? कोई मामा को सचमुच तो उठाकर नहीं ले गया होगा ना? स्टॉप वरिंग रोसेश, मॉम को कुछ नहीं होगा। यू मे बी रॉन्ग साहिल, देयर शी कम्स, क्योंकि मुझे कुछ तो हुआ है। मामा आ गई वो पे। मामा आप सलामत तो है ना? हाँ, फॉर द टाइम बीइंग स्वीटी, लेकिन मैं कभी भी गिर सकती हूँ क्योंकि मैं हवा में उड़ रही हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। आज कल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर चुपके चुपके मरना है। ओ छाया गीत, एक मिनट, ये सब है क्या? एहसास, अपने जिंदा होने का एहसास। साहिल, आज मैं सुधांशु खान की पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गई थी और इंस्पिरेशन बन के लौटी हूँ। जब मैं गैलरी में पहुंची तो सब बड़ी बड़ी सोशलाइट सुधांशु के ऑयल्स खरीद रही थी। सुधांशु तेल बेचता है? ऑयल्स मतलब ऑयल पेंटिंग्स। फिर क्या हुआ मॉम? जैसे ही मैं एंटर हुई, जोबा बैनर्जी बोली, माया साराभाई वेलकम। एंड मेरा नाम सुनते ही सुधांशु मुड़ा। माया, द माया साराभाई, क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम दुनिया की सबसे मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव और कंप्लीट औरत हो? लेकिन इतना बड़ा झूठ कोई क्यों बोलेगा?
ये झूठ सुधांशु ने मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहा इंद्रवदन। फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूं। विल यू बी माय म्यूस माया साराभाई? मगर वो आपको खच्चर क्यों बनाना चाहता है मम्मी जी? म्यूज, म्यूज मोनिशा, खच्चर यानी म्यूल। आपने क्या कहा मॉम? साहिल, जिंदगी में पहली बार मैं बिल्कुल चुप रह गई। शर्म से मेरी आंखें झुक गई और आंसू निकल आए। उसने झट से अपना टी शर्ट निकाला और मेरे आंसू समेट लिए। टी शर्ट निकाला? कमबख्त के पास रुमाल नहीं था जेब में? डैड, बोलने दो उसे साहिल। इसकी टू पेनी कमेंट से अगर मैं रो भी पड़ी तो अब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई मिल गया है मुझे। वो मेरी पेंटिंग बनाना चाहता है। कैन यू इमेजिन? सुधांशु खान जैसा सेलिब्रेटेड पेंटर हमारे घर आने वाला है। एंड ही इज डेविस्टेटिंगली डेबोनेयर। Hello, Sudhanshu. Flower for Madame Maya. Oh, that's sweet. अरे, एक ही फूल? पूरा बुके खरीदने के पैसे नहीं थे? Funny man. Yes. Maya, अब मुझसे और सब्र नहीं किया जाता। अच्छा, तो बाथरूम उस तरफ है? और बेडरूम किस तरफ है? क्यों? माया की पेंटिंग मैं एक बहुत ही पैशनेट जगह पर बनाना चाहता हूँ। चले। Yes. Strike a pose, Maya. How? I mean, कैसे बैठूं मैं? Passionately, जैसे मगरमच्छ कीचड़ से भरे हुए पानी में बैठता है। ओह माया, फिर तो तुम्हें दांत भी दिखाने पड़ेंगे। Oh, sure. कि तुम्हारे बड़े दांत किस दिन काम आएंगे? या जैसे दूध के छींटे पर मक्खी बैठती है। पहली बार साड़ी पहनी हुई मक्खी नजर आएगी। सुधांशु, मैं फूल पे बैठे हुए भवरे की तरह बैठूं? That's tacky. फूल भवरे मीडियोकर। हिंदी सिनेमा पैरेलल्स। अच्छा, जैसे गाय के शरीर पर खून चूसता हुआ चमगादड़। I think I'll settle for दूध के छींटे पे बैठी हुई मक्खी। अच्छा? Is this okay? Wow. अच्छा, तो आवाज भी तो करो माया। मामा बैठी हुई मक्खी है, उड़ती हुई मक्खी नहीं। ओके, इज राइट। हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए और स्वर थोड़ा सा नीचे। यस, दूध के छींटे को देखकर मुस्कुराओ माया, मुस्कुराओ। इज दैट ओके? सर थोड़ा सा टिल्टेड। So sorry. It's okay. Rosesh, zara ek napkin lana na. No need. Oh my God, tumhari t-shirt kharab ho gayi. Maya ke chehre ki lali ko samet kar koi bhi cheez kharab nahi ho sakti. Oh my God, you're embarrassing me. मामी जी, हेला। देखा मनीषा, तुमने सेमी न्यूड मॉडल्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। ये सेमी न्यूड पेंटर पहली बार देख रही हो ना? I'm sorry. रोसेश, तुम अपनी टी शर्ट दे दो सुधांशु को। ओके मामा। अरे ये वाली नहीं रोसेश। I'm fine. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। If you've got it, flaunt it. रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते होंगे ना तुम? मेरी हेल्थी बॉडी का राज है एक्सरसाइज और मैं हर रोज 2 ग्लास दूध पीता हूँ। वाओ, नो वंडर, इसीलिए इंद्रवदन की बॉडी कभी स्कल्प्टेड नहीं बन सकती। कीप क्वाइट मक्खी, वरना वो मक्खी मारने की दवाई छिड़क दूंगा मैं। भैया, आपकी ये पेंटिंग को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? कम से कम 7 दिन। 7 दिन? इसे तो अच्छा फोटो खींच लेते, 2 मिनट में हो जाता। How do you say? वैसे स्वस्तिक फोटो स्टूडियो में तो 10 कॉपी पे 15% डिस्काउंट भी है। Oh my God. सुधांशु, मेरी पासपोर्ट पेंटिंग नहीं बना रहा मोनिशा।
सुधांशु, यू जस्ट सूट योरसेल्फ। ओ भाई साहब, सूट योरसेल्फ बाद में, पहले शर्ट योरसेल्फ। सारा भाई।